Hello everyone, welcome back to my channel BioGeek. So आज का ये वीडियो है, आपको दिख ही रहा होगा कि किस चीज के रिलेटेड ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो वीडियो हम बना रहे हैं आज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, द फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, इन्होंने आज ही एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है और वो नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सो हम बहुत दिनों से इस चीज का वेट कर रहे थे कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स पुणे यूनिवर्सिटी की कब होगी। तो अब वो जो वेटिंग है वो हमारी खत्म हो गई है क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी ने हमें उनकी डेट दे दी है और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो है 22 अगस्त 2021। आगे जाके हम देखेंगे कि एक्चुअली नोटिफिकेशन क्या है, क्या चीजें उन्होंने हमें बताई हुई है कि एग्जाम फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होगी, कौन से स्टूडेंट जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे और ये सारी चीजें जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने दिया हुआ हमें नोटिफिकेशन एंड दैट नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। ओके, सो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय एसपीपीयू फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर। यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पीएचडी के लिए एडमिशन दिए जाते हैं और इसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च सेंटर्स है, उनमें भी पीएचडी के लिए एडमिशंस दिए जाते हैं। सो अब ये जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशंस दिए जाते हैं वो टू स्टेज प्रोसेस में दिए जाते हैं। वो क्या है वो हम देखेंगे। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पहले तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी विच शाल बी क्वालिफाइंग टेस्ट। वो क्या होगी, एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगी, आपको वो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स, वो रहेगी 100 मार्क्स ही और एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। देन दूसरी स्टेप है या स्टेज आप कह सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन एंट्रेंस टेस्ट। जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इन ड्यू कोर्स। ओके, जो कुछ भी चीजें कि एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स कौन से एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स है फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो भी हम देखेंगे। सो एंट्रेंस टेस्ट पेपर जो होगा हर सब्जेक्ट के लिए, ओके, उनमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आपका जो स्पेशलाइजेशन हुआ है, ओके, आप किस इसमें क्वालिफाई कर रहे हो, किस इससे एमएससी आप कंप्लीट कर रहे हो, उस सब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्पेसिफाई, उसके ऊपर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस ही होंगे। सो 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। ओके, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दो नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम। ओके, यहां पे आपको निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, एक क्वेश्चन एक मार्क के लिए होगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने परसेंट लगेंगे उसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या शेड्यूल है, डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि
22 अगस्त 2021 को होगी। फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी? कमिटमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही भरना है आपको, और वो स्टार्ट हो गए 12 जुलाई 2021, मतलब कि मंडे से। देन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेंगे 31 जुलाई। ओके, मंथ एंड लास्ट डे ऑफ दिस मंथ 31 जुलाई। देखिए, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही आपका रिजल्ट जो होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो लग जाएगा, और वो भी 2 दिन में। 22 को आपकी एग्जाम होगी और 24 को आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा ऑन द 24th अगस्त 2021। द नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी किसी भी तरह का सेपरेट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, इश्यू नहीं करेगी। जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं एमएससी के, बीएससी के, वैसे कुछ भी किसी भी तरह के का सर्टिफिकेट या रिजल्ट्स आपको आएगा नहीं। ओके, सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाएगा। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन प्रोक्टोर मोड। यहां पे आपको ये समझना है, ये एग्जाम जो होगी वो ऑनलाइन होगी। ओके, प्रोक्टोर मोड में ऑनलाइन तरीके से होगी, ऑफलाइन नहीं है। ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, 2 घंटे की एग्जाम होगी आपकी। ओके, 2 आवर्स एग्जाम होगी आफ्टर लॉगिंग इन बिटवीन 10 AM टू 4 PM। इसका मतलब ये है कि आप 10 से 4 इस टाइम में कभी भी लॉग इन कर सकते हो, बट अगर आप लॉग इन किए तो उसके 2 घंटे में आपको ये एग्जाम सबमिट करनी है या सबमिट हो जाएगी। सो 2 आवर्स है एग्जाम का टाइम आफ्टर लॉगिंग, लॉगिंग करने के बाद, और लॉगिंग आप कर सकते हो 10 AM टू 4 PM के बीच में। स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग कैसे आप क्वालिफाई करोगे, कितने आपको मार्क्स चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। ओके, 50% मार्क्स मतलब आपके 50 क्वेश्चंस राइट आने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 मार्क्स मिलने बहुत जरूरी है। देन इलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, कि इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन लेने के लिए क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, सो बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बट हमारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज जो हम देखते हैं, द कैंडिडेट्स हैविंग अ मास्टर डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्वेलेंट टू दी मास्टर डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, SRB। सो कैंडिडेट्स के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें उसने 55% मार्क्स लाने चाहिए। सो 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। देन 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। द किसे मिलेगा? दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरीज एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स एज पर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो पॉलिसीज है फॉर द रिलैक्सेशन, सो उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब 55 अगर है तो 50% तक चल जाएगा। देन ये द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर द एमफिल कोर्स कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्वेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7 पॉइंट स्केल। ओके, और इक्वेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। जहां पे जैसी ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो की जाती है तो उसमें आपको ब्री ग्रेड चाहिए और एटलीस्ट 55% मार्क होने जरूरी है। देन सी एमफिल स्टूडेंट्स ऑफ एसपीपीयू हुज एमफिल डिसर्टेशन हैज बीन इवैल्यूएटेड एंड द वाइवा वोस इज पेंडिंग मे बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम। यहां पर तो हमने देखा कि एमफिल कंप्लीट करने के बाद आप सीधा पीएचडी में जा रहे हो। ओके, बट अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका एमफिल डिसर्टेशन जो है वो इवैल्यूएट हो गया है, ओके, और उसके सिर्फ वाइवा जो है, वाइवा वो जो है वो पेंडिंग है, तो वो भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए
एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इवैल्यूएशन थीसिस जो है वो इवैल्यूएशन के लिए गया हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है, बट सिर्फ आपकी वाइवा वो स्पेंडिंग है तो भी मे बी एडमिटेड टू द पीएचडी प्रोग्राम, फिर भी वो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिट हो सकता है। देन कैंडिडेट्स पासिंग अ डिग्री कंसिडर इक्वेलेंट टू द एमफिल डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन, ओके, ऐसी कोई डिग्री जो कि एमफिल डिग्री से इक्वेलेंट करती है वो भी इलिजिबल है। द कैंडिडेट्स विद एमडी एमएस क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर इलिजिबल टू पीएचडी प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट इक्वेलेंट टू द मेडिकल साइंसेस। ओके, अगर किसी कैंडिडेट का एमडी हुआ है या एमएस हुआ है क्वालिफिकेशन, तो वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है सब्जेक्ट इक्वेलेंट टू द मेडिकल साइंसेस अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के अंडर वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जम्पशंस फ्रॉम द अपेयरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिलेगा कि वो एंट्रेंस एग्जाम को ना अपेयर करें, ना बैठे। ओके, बट यहां पे समझने वाली ये बात है कि अगर आपका एग्जम्पशन है फिर भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको वहां पे सिर्फ एग्जम्पशन ऐड करना है। सो द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाना नहीं है, देनी नहीं है, बट आपको फॉर्म जरूर भरना है। जैसे कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, यूजीसी सीएसआर नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, स्लेट, सेट, गेट, ओके विद अ वैलिड स्कोर, जीपीएटी विद अ वैलिड स्कोर, सीएसआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीबीटी एंड डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। ओके, देखिए अगर आपकी नेट हुई है, आपकी सेट हुई है, आपकी स्लेट हुई है, अगर आपकी यूजीसी नेट है, यूजीसी सीएसआर नेट है इंक्लूडिंग जीआरएफ, या सिर्फ आप लेक्चरशिप क्वालिफाई हुए हैं, आप आईसीएआर क्वालिफाई हुए हैं, आईसीएमआर जीआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, या डीबीटी डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप की एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुए है, तो आप या गेट, ओके, इवन यू इफ यू क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन, ओके, फिर भी आप क्या है, एग्जम्प्टेड है। या जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, दैट इज जेजीई बीआईएलएस एग्जामिनेशन, और द टीचर फेलोशिप होल्डर्स विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। ये सारे स्टूडेंट्स, ये सारे कैंडिडेट्स जो है वो एग्जम्प्टेड होंगे। देन कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम ऑफ द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एमफिल कंप्लीट हुआ है, एमफिल वो पास किए हैं, उन्हें भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो द कैंडिडेट्स हु पास्ड एमफिल प्रोग्राम ऑफ द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, वहां से अगर आपकी एमफिल कंप्लीट हुई है तो यू आर एग्जम्प्टेड। फीस क्या होगी फॉर अपेयरिंग इन पेड एग्जामिनेशन, ओके, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फॉर जनरल कैटेगरीज 1000 रुपीज, फॉर रिजर्व कैटेगरी 750। एग्जम्प्टेड फॉर अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जम्प्टेड है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा, आप एग्जम्प्टेड है फिर भी आपको फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। सो फॉर जनरल कैटेगरीज 800 रुपीज, फॉर रिजर्व कैटेगरीज 600 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट मेथड यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, 12 जुलाई से आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये, आप जो है वो साइट है, यहाँ पे आप जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएंगे। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज चेक द वैकेंट पोजिशन फॉर द एडमिशन डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ओके, वैकेंट पोजिशन, ओके, गाइड आप जहां देख रहे हो, जिस डिपार्टमेंट्स से आप पीएचडी करना चाहते हो, या जिस रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी करना चाहते हो, वहां पे वैकेंट पोजीशंस है कि नहीं
वो आपको पहले देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? द कैंडिडेट शैल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन: फोटोकॉपी ऑफ मास्टर स्टेटमेंट्स ऑफ मास्टर डिग्री, इफ नॉट एक्वायर्ड मार्कशीट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। ओके, मार्क स्टेटमेंट नहीं तो मार्कशीट्स आपको सबमिट करनी होगी पर्सनल इंटरव्यू के टाइम। फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फोटोकॉपी ऑफ नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। फोटोकॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सिविल सर्जन इन केस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दैट इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई कैंडिडेट है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जेम्प्शंस कैंडिडेट, जिन्हें एग्जेम्प्शन है, सो फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड एज पर द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन क्लॉज 3(1) and 2, फोटोकॉपी ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई यूजीसी। ओके, जो आप एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, ओके, जिससे आप एग्जेम्प्शन ले रहे हो उसका सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फोटोकॉपी ऑफ एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट होगा, डिक्लेरेशन होगा, वो आपको एड करना पड़ेगा अगर आप एमफिल से एग्जेम्प्शन ले रहे हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंट, जो कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द पेट, हाउएवर द एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप पेट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हो, ओके, बट एडमिशन जो होगा वो आफ्टर क्वालिफाइंग, बट वो जो राउंड्स होते हैं पीएचडी के, उस वहां तक, तब तक आपके एग्जाम जो है, आपने मास्टर डिग्री हम कह सकते हैं, वो क्वालिफाई कर देनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंस और डिस्प्यूट्स द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। ओके, बाकी सारे डिसीजन जो होंगे वो यूनिवर्सिटी के पास होंगे। ओके, सो ये एक पॉइंट आप याद रखिए, द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और द डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपने अगर एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है तो उसके बाद उसकी प्रिंट आउट या डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करने की बाद में जरूरत नहीं है। ओके, सो वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करने हैं, डिपार्टमेंट में या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ओके, सो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द ऑनलाइन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी। आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन फील किए है ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, और अगर आपको लगा कि वो इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ गलती हुई है, वो चेंज करना है, तो यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करेगी। ओके, सो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो अच्छे से देख के भरिए हर सारी चीजें। Entrance examination will be conducted in English language for all faculties except for the Marathi, Hindi, Sanskrit, Pali, French and the German. कुछ language छोड़ के बाकी सारे faculties के लिए exam जो होगी entrance exam वो English language में होगी, ठीक है? So ये कुछ general instructions थे, और ये exam कब है, कहाँ तक है, ये सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के जो अपडेट्स हैं वो अगर आपको देखने हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोकिक। थैंक यू वेरी मच।